ये जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। अब रात है तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा और वक्त का इंतजार करो। दोस्तों, स्मृति मंदाना दुनिया की नंबर वन महिला बल्लेबाज हैं, जिनकी एक खासियत है वो सबसे अच्छा परफॉर्म तब करती है जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और ऐसा ही एक इंसिडेंट 2017 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हुआ था, जो हर इंडियन क्रिकेट फैन को आज भी याद है। 2017 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच इंडिया को वेस्ट इंडीज के विरुद्ध जीत के लिए चाहिए 184 रन। कौन भूल सकता है उस दिन को जब टीम की दो जबरदस्त बल्लेबाज आते ही आउट हो गई। मगर इस टफ सिचुएशन में इंडियन ओपनर समृद्धि ने अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट पारी खेली और धमाकेदार सेंचुरी लगाकर इंडिया को जीत दिलाकर फाइनल में पहुंचा दिया। दोस्तों, ऐसे कई इंसिडेंट हैं जब समृद्धि ने इंडिया को संभाला और दुनिया भर में वर्ल्ड नंबर वन बल्लेबाज बन गई, जिन्हें ICC ने बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। जिसके बाद समृद्धि ने इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट ODI और 2020 में रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया, जिन्हें एक बार फिर 2021 में ICC ने वर्ल्ड नंबर वन बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। स्मृति इंडिया की एक ऐसी क्रिकेटर हैं जिन्होंने दो बार यह अचीवमेंट हासिल कर दुनिया भर में भारतीय तिरंगा लहराया। इसलिए आइए जानते हैं स्मृति मंदाना की लाइफ और करियर के बारे में। दोस्तों, बचपन से ही क्रिकेट की शौकीन स्मृति का जन्म 18 जुलाई 1996 को महाराष्ट्र की मारवाड़ी फैमिली में हुआ, जिनके पिता और भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेटर रहे, जो अपने घर में ही क्रिकेट खेला करते थे। वहीं स्मृति ने भी क्रिकेट की बारीकियां सीखनी शुरू की और सिर्फ 9 साल की उम्र में अंडर 15 महाराष्ट्र टीम में सिलेक्ट हो गई और 11 साल की उम्र में अंडर 19 महाराष्ट्र के लिए खेलने लगी, जो आज इंडिया की राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर और लेफ्ट हैंड भरोसेमंद बल्लेबाज है। दोस्तों, स्मृति ने 2013 में वेस्ट जोन के लिए अंडर 19 में गुजरात के अगेंस्ट महाराष्ट्र के लिए दो शतक ठोक कर इंडिया की डोमेस्टिक क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी, जिन्हें बहुत जल्द नेशनल टेस्ट टीम में सिलेक्ट किया गया, मगर बोर्ड एग्जाम की वजह से कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन 2014 में जब 2020 वर्ल्ड कप और इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट टीम में जब उन्हें एक बार फिर देश का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, तब स्मृति ने तगड़ा परफॉर्म किया और पहले टेस्ट में 50 लगाकर टीम को 8 साल बाद जीत दिलाई। और फिर स्मृति इस टूर के बाद टीम की बैकबोन रेगुलर प्लेयर बन गई, जिसके बाद स्मृति ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध दुनिया के बेस्ट अटैक के सामने ODI में सेंचुरी लगाकर साबित किया स्मृति जैसा कोई नहीं। मगर स्मृति का बुरा दौर भी शुरू हुआ जब स्मृति वुमेन्स बिग बैश लीग मैच में चोटिल हो गई और फिर तमाम फिजियो ने कहा स्मृति अब 2017 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकती। मगर सर्जरी के बाद स्मृति क्रिकेट को लेकर सीरियस हो गई और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए हार्ड वर्क करने लगी। धीरे धीरे उनका परफॉर्म और फिटनेस बेहतर से बेहतर होता चला गया और स्मृति ने एक बार फिर कमबैक किया और वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में 90 रन की धमाकेदार इनिंग्स खेलकर साबित किया, मैं कोई कांच का टुकड़ा नहीं जो टूट कर बिखर जाऊंगी, डायमंड की तरह चमकने वाली इंडियन क्रिकेटर हूँ और दुनिया भर में एक दिन भारतीय तिरंगा लहराऊंगी, जो अब तक 4 टेस्ट में 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी के साथ 325 रन, वहीं 62 ODI में 4 सेंचुरी और 19 हाफ सेंचुरी के साथ 2373 रन और 84 2020 में 14 हाफ सेंचुरी सहित 1971 रन बनाने वाली स्मृति को 2018 और 2021 में 2 बार ICC द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करना बेहद काबिले तारीफ है, जो देश को गौरवान्वित करता है। स्मृति ने 2021 में 22 इंटरनेशनल मैचों में 1 सेंचुरी और 5 हाफ सेंचुरी के साथ 855 रन बनाए, जो उन्हें दुनिया भर की महिला क्रिकेटरों की भीड़ से अलग करती है और इंडियन महिला क्रिकेट की उन्हें सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बनाती है। दोस्तों, इतनी शिद्दत और जुनून के साथ अगर इंसान किसी भी चीज को चाहे तो भगवान भी मिल जाता है। फिर जिसके अंदर ऐसी खेल भावना और पागलपन हो, उसके लिए कुछ भी इम्पोसिबल नहीं। शायद इसी जुनून ने समृद्धि को इस लेवल तक पहुँचा दिया, जो देश के लिए गौरव और भारतीय लड़कियों के लिए किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं। तो ये थी स्मृति मंदाना। अगर आप समृद्धि के फैन है तो इस वीडियो को कर दो लाइक और हमें कमेंट्स करके बताओ नेक्स्ट वीडियो आप किस क्रिकेटर पर देखना चाहते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।